144 की धारा की है साडे व्यूअर्स नूं थोड़ा दस दिओ सर। उस एफ आई आर की गल करिए तां किस तरह दीआं धारा और किस तरह के कानूनी जिहड़े शिकंजे ने उहनां दे उत्ते कसे जा सकदे ने। 188 की धारा किस तरह डेंजरस हो सकती है लोगों के लिए। 270 धारा वो की चीज़ है सर। पंजाब न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों प्रेम भरी सत श्री अकाल दुआ सलाम। अज जिस शख्सियत की असं गल कर जा रहे हैं तुम साड़िया पुरानी इंटरव्यूज़ में बहुत प्यार देंगे हो हमेशा तो यूजफुल जी चीज़ है असी कोशिश करते हैं तो रूबरू करवा की। जे अज असी गल करिए अज असी किसी मैडिकल ऑफिसर के कोल नहीं आए अज असी ऐसे सवाल पूछण आए हैं जिस तरह कि तुसी देख सकते हो साडे नाल मौजूद ने बतौर AIG ड्यूटी निभा रहे पुलिस प्रशासन के आला अफसर सरदार कुलविंदर सिंह थ्याड़ जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। पंजाब न्यूज़ चैनल के देश विदेश तो जिहड़े स्रोते देख रहे हैं उन्होंने वालों बहुत बहुत वेलकम करते हैं और शुक्रिया तुम कहने कि इन्ने बिजी शड्यूल सू समा दिता अज के दौर के वर्गे आला अफसर की जी राय है बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है क्योंकि लोगों के गल करिए लैक ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज की थोड़ी कमी है कि कानूनी जड़े शिकंजे फस जाते हैं लोग। जो महामारी की गल करिए COVID-19 यानी कि करोना वायरस का कहर चल रहा तो 144 की धारा के अधीन जिहड़ा करफ्यू का ऐलान कर दिता गया तो जे मैं पहली गल शुरू करा तो 144 की धारा की है साडे व्यूअर्स नूं थोड़ा दस दिओ सर। देखो जदों मानयोग DC साहब वालों जिले के करफ्यू लाया जाता तो उस जो क्लीयर कट इंस्ट्रक्शन होंगे कि चार या उस तो वध बंदे एक थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते पर जो भी होर सारे अदारे आ दुकाना आ वो सारिया बंद होंगे और जी पब्लिक आ बिना वजह घरों बाहर नहीं निकल सकती। सो जे कोई इसकी वायोलेशन करता तो उसके खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई की जाए। जे असी कानून अनुसार कार्रवाई की गल करिए 144 की धारा के अधीन जिदा तुम दस दिता कि DC साहब के जो हुक्म ने उन्होंने जो उलंघना की जाती तो उन्होंने उत्ते FIR दर्ज हो सकती है। उस FIR की गल करिए किस तरह दीआं धारा और किस तरह के कानूनी जो शिकंजे ने उन्होंने उत्ते कसे जा सकते हैं। DC साहब वालों जदों भी कोई हुक्म पास किया जाता कोई ऑर्डर पास किया जाता तो वह सारी उन्हां दी जिहड़ी जूरिसडिक्शन आ उस दे विच जिहड़ा भी नागरिक उसका बछिंदा आ उसनू उन्हूं फॉलो करना हुंदा। जे कोई DC साहब दे ऑर्डरस की उलंघना करता तो उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई जिहड़ी आ उह कीती जा सकदी। 188 की गल करिए 188 की धारा की है क्योंकि लोगों के जिदा मैं पहला गल की कि शायद समझ घट होंगी है कानूनी दाव पेज की तो कानून की धारा की जी समझ है घट होंगी। 188 की धारा किस तरह डेंजरस हो सकती है लोगों के लिए। 188 मैं जिदा तुम पहले दसिया कि जो भी ऑर्डर DC साहब वालों पास किए जाते हैं वो किसी भी तरह के ऑर्डर हो सकते हैं जदों भी उसकी कोई व्यक्ति विशेष उसकी उलंघना करता तो उसके खिलाफ जोड़ा 188 की कार्रवाई की जाती है और खास करके जिस तरह हूँ सारे विश्व के महामारी जी फैली हुई है और महामारी के दौरान जे कोई नैगलीजेंट एक्ट करके जान बुझ के कोई यहोजी कार्रवाई करता है तो 188 के नाल 269, 270 भी धारा लाई जा सकती है और ये सारिया धारा के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जे 269, 270 जिदा तुसीं दस्सिया कि 188 दे नाल लग सकदी है 269, 270 जी धारा वो की चीज़ है सर। वो ये नाल ही रिलेटेड है जी इस दे विच जुर्माना भी हो सकता इस दे विच 6 महीने तक सज़ा भी हो सकती है। सो इन्हां लोकां नूं सारे जिहड़े खास करके जलंधर की गल करते हैं तो जिहड़े लोग इत्थे बछिंदे आ उन्हां नूं ये गल समझनी चाहीदी आ कि किसी किस्म की जिहड़े DC साहब के ऑर्डर आदि वायोलेशन ना कर जे वो कहिंदे आ कि घरां दे विच रहो तो घरां दे विच रहना चाहिए जिस समय दुकाना या होर अदारे खोलन की इजाजत मिलती है उस टाइम पर खोलन
बिना वजह घरों बाहर ना निकलना, नहीं तो उन्होंने खिलाफ जी कानूनी कार्रवाई की जा सकती। नाल दी नाल सर मैं गल करा कि जमीन दे उत्ते काम करने वाले तुसी अफसर रह चुके हो, जे मैं गल करा तुहाडी लाइफ दी तां बहुत लंबा समा तुहानू हो गया बतौर पुलिस अफसर जिहड़ी ड्यूटी निभा रहे हो, तुसी लोकां दे विचरण वाले लोकां दे विच विचरण वाले तुसी ऐसे पुलिस अफसर हो जिन्हां दी शलाघा अपने डिपार्टमेंट दे नाल नाल पंजाब दी पब्लिक वल्लों भी कीती गई है। जे मैं तुहाडी लाइफ दी गल करा तां कितना लंबा समा हो चुका है तुहानू बतौर पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर लिया? मैनू तो काफ़ी लंबा समा पुलिस महकमे दे विच हो चुका, तकरीबन मेरा हुण इह 40वां साल सरकारी पुलिस की नौकरी दे विच चल रहा और हुण मैं तकरीबन रिटायरमेंट दे नेड़े हां, तो काफ़ी समा सर्विस। 40 साल की सर्विस बहुत मोढ़ियां उत्ते भार हुंदा है कि बतौर पुलिस ऑफिसर ड्यूटी करना, क्योंकि लोगों के विचरना जिथे कि कानून की समझ बहुत घट हुंदी है लोगों नूं, ते जे तुहाडी लाइफ की गल करिए मेरे ख्याल ना कदे भी विवादों के विच तुसी नहीं रहे हो। मैं गल करदा उस वेले दी जदों तुसी बतौर SHO भी ड्यूटी कर चुके हो, तो फिलहाल AIG ऑफिसर हो तुसी, मतलब रैंक 1 ऑफिसर हो इस वेले तुसी। कई एमरजेंसीज तुसी देखियां होणगियां अपने इस लंबे समय के विच, जे अज दी एमरजेंसी की गल करिए तां उन्हां एमरजेंसीज दे विच ते अज दी एमरजेंसी विच कितना फर्क है? देखो जिहड़ी तुसीं एमरजेंसी की गल करते हो, कई बार कई सिचुएशनस होंदियां जिन्हां नूं बंदा अपनी लियाकत दे नाल टैकल कर लैंदा, लेकिन यह जिहड़ी COVID-19 और यह जिहड़ी बीमारी सारे विश्व दे विच फैली हुई है, हुण यह बड़ी एक डिफरेंट किस्म की महामारी है और यह सानूं लोकां नूं हुण समझ लेना चाहिए, इहदे नाल सानूं जीना सिख लेना चाहिए, क्योंकि जे असी अपना लाइफ स्टाइल ना बदलांगे तो मैं समझदा कि साड़ी आने वाली लाइफ के विच साडे बच्चों नूं और सानूं बहुत वड्डियां मुश्किलों का सामना करना पै सकदा। खास तौर पर जिवें पुराने जमानियां दे विच लोग चंगा खांदे सी, हाथ मिलाउण दी जगह सासीपल बुलाउंदे सी, सो जिहड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का मेन मकसद ही इह आ कि अपने आप को जिहड़ा बंदा बीमार आ उस तो दूर रखा जाए। जे तुसीं बाहर जाना आ अपना फेस पे मास्क लाया जाए, हाथ सैनिटाइज किए जाए, और जरूरी नहीं कि सैनिटाइजर के नाल ही तुसीं हाथ धोने आ, तुसीं सब तो वधिया जिहड़ी चीज़ है वह साबण, साबण नाल तुसीं 20-25 सैकेंड हाथ धोवो जी। अपना कपड़े बाहरों जाने घर साफ उन्होंने सर्फ के पा के धोवो जी, साफ सुथरी लाइफ देखो, साफ सुथरा सिंपल खाओ, अपना एक्सरसाइज करो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करो जी। सो ये लोगों को सीखना पड़ेगा और जे जिनी जल्दी सीख लेंगे उन्नी जल्दी इस बीमारी तो जी राहत पा। जो सीखने की गल करिए लोगों वालों जो दोष लगाए जाते हैं पुलिस पुलिस के उत्ते कि जी शक्ति का जरा प्रदर्शन है किया जाता है, सर कितना जरूरी है, क्योंकि लोग समझने भी तैयार नहीं। जो सोशल डिस्टेंस की गल करिए पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बतौर ऑन रिकॉर्ड है कि असं हमेशा दिखाते रहने कि पुलिस प्रशासन अपन जाना खतरे जाना खतरे के पा के इस वे ड्यूटी कर रहे हैं। साडे फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने साडे वालों साडे सुरतां वालों तुहानू सलूट है, क्योंकि तुसी लोग साडियां जानां लई काम कर रहे हो। पर जे असीं लोकां दी गल करिए सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी कवर नहीं की जा रही लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट साडे मानयोग DG साहब साडे आम डिपार्टमेंट दे स्पेशल DGP साहब सारियां दी इह पुरजोर कोशिश आ कि जिहड़े साडे असीं अपने मुलाजमां दा जिथे पब्लिक दा ख्याल रखदे आ, अपने जिहड़ी साडी फोर्स आ उहदा वी प्रॉपर ख्याल रखदे आ। DG साहब वल्लों और साडे मानजोग स्पैशल DG साहब वल्लों स्पैशल इंस्ट्रक्शन आ कि जिहड़े 55 साल तो वध जिन्हां दी उम्र आ साडी फोर्स दे मुलाजम आ जिहड़े ऑफिसर आ जी, जां जिन्हां नूं कोई क्रॉनिक डिजीज़ नाल उह पीड़त आ, जां लेडीज़ जिन्हां दे बच्चे छोटे आ जी, उन्होंने असं फ्रंटलाइन ड्यूटी से नहीं ला रहे, ठीक है जी, उन्होंने को होर सिंपल ड्यूटी ला रहे जी। फिर साड़ी फोर्स जिथे फील्ड के तैनात आ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਿਤਰਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸੰਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਆਫਿਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਤੌਰ ਆਫਿਸਰ? ਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੇਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ COVID-19 ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ AIG ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਥਿਆੜਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 144 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 188 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ।
पंजाब न्यूज़ चैनल का फेसबुक पेज लाइक तो फॉलो जरूर कर दिओ, साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब जरूर कर देना, नाल दी नाल दस देना बैल आइकन जरूर दब देना, क्योंकि जो भी कोई यूजफुल इनफॉर्मेशन या ऐसी शख्सियत या ऐसे ऑफिसर इन्हां दी कोई इंटरव्यू साडे चैनल ते आंदी है तो तुहाडे फोन दे उत्ते नोटिफिकेशन उस वेले आ जाएगी। पंजाब न्यूज़ चैनल लई कैमरा मैनेजर दे नाल तरनपाल सिंह जलंधर, शुभकामनाएं।